पांडेश्वर विधानसभा अंतर्गत परासकोल में नवनिर्मित बस पंडाव और जामबाद कोलियरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व वाटर एटीएम का उद्घाटन जिला परिषद कर्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती ने फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर जामबाद कोलियरी प्रबंधक शंखनील हालदार, बउला ग्राम पंचायत प्रधान सुहागिन टुड्डू, उप प्रधान वीर बहादुर सिंह, बउला अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम मित्रा, ब्लॉक माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष एमडी मिर्जा हुसैन, युवा तृणमूल कांग्रेस अंचल अध्यक्ष एमडी सदरुद्दीन हुसैन, पंचायत समिति सदस्य सुखदा हैब्रम, केकेएससी शाखा अध्यक्ष श्याम सुंदर राजवर, पंचायत सचिव प्रदीप प्रजक, पंचायत सहायक नरेश्वर घोष, ब्लॉक सचिव धर्मेंद्र पासवान, मनोज पासवान, पूर्व उप प्रधान गुरु प्रसाद चक्रवर्ती, पंचायत सदस्य कृष्णा भुइया, हेना बाउरी, बर्नाली औरांग तथा समस्त तृणमूल कांग्रेस के नेता व सदस्यगण उपस्थित थे। उद्घाटन के अवसर पर अनुभा चक्रवर्ती ने कहा कि मैं चुनाव के समय यहाँ के लोगों से वादा किया था कि यहाँ की जो भी समस्या होगी मैं उसका निवारण करूंगी। उसी के तहत आज परासकोल के बस स्टॉप और जामबाद में वाटर फिल्टर प्लांट का शुभारंभ किया गया। वीर बहादुर सिंह ने कहा कि जामबाद बेनियाडी में लगभग 3 से 4 हजार लोग रहते हैं। इस फिल्टर प्लांट का शुद्ध पानी सभी को मिलेगा। इसके अलावा जामबाद में एक स्वदाह गृह का निर्माण जल्द होगा। कार्यक्रम के संचालक उत्तम मित्रा ने कहा कि इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता व समर्थक उपस्थित रहे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। गुरु प्रसाद सब कथा बोले गेछेन কাজে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। এইটুকুই বলবো যে আজকে এখানে বউলার নতুন একটা বাস স্ট্যান্ড তৈরি হলো মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের এমএলএ সাহেবের উদ্যোগে যে বাস স্ট্যান্ডটি তৈরি হলো, আপনারা সকলে মিলে চেষ্টা করবেন সেটিকে ভালো করে রাখবার। কারণ জিনিস তৈরি করা খুব সহজ, কিন্তু সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই কঠিন। কাজে এটাকে ভালোভাবে রাখলে আপনারাই উপকৃত হবেন। সেই সঙ্গে বহুলাবাসীকে এবং যারা এই প্রতীক্ষালয়টি তৈরি করলেন তাদেরকে আমি আমার ধন্যবাদ জানিয়ে এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। क्या उद्घाटन हो गया हुआ तो आप लोग भी यहाँ पर हैं, हम लोग भी यहाँ पर हैं कि जामबाद के लोगों का ये आवेदन था, निवेदन था ममता बंदोपाध्याय के सरकार के पास में ECL के सहयोगिता से, जो ECL का कार्यस्थल है ECL का सहयोगिता से ग्राम पंचायत के कंट्रीब्यूशन से ये काम किया गया यहाँ पर। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर RO ट्रीटमेंट प्लांट का आज हम लोग उद्घाटन किए। यहाँ से हजारों हजारों लोग पीने का पानी, विशुद्ध पानी यहाँ से अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे। कितना खर्च होगा, घर का सप्लाई होगा? नहीं, ये पीने का पानी है, हाँ ये पीने का पानी है। यहाँ से लोग पानी को बोतल में हो, बाल्टी में हो, कैरी करके लेके जाएंगे और डेली ले जाके अपना पीने का उपयोग में लाएंगे। कितना खर्च हुआ है? ये लागत जो है बउला ग्राम पंचायत का 14 लाख कुछ हजार रुपया का लागत ये से बना है ये प्रोजेक्ट। और हम लोग एजेंसी काम किया है, ये काम को संपूर्ण रूप से करने के बाद में इसको उद्घाटन कराया गया। ECL का सहयोग है, ECL के जमीन पे हम लोग कर रहे हैं। ECL का अगर जमीन ECL अगर हम लोग का सहयोग ना करेगा तो यहाँ पर हम लोग कहाँ काम कर पाएंगे। ECL का सहयोग तो बिल्कुल मिलता है हम लोग को, यहाँ से फ्री पानी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाटर ATM लगा हुआ है। हाँ ATM लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कि समय सीमा, मान लीजिए 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का अगर पानी देने का सिस्टम है, उसके बाद में भी मान लीजिए पानी लेने के लिए लोग ATM से यूज करेंगे। और कोई भी बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट बनता है उसको मेंटेनेंस के लिए तो रख रखाव करने के लिए तो जगह करना पड़ेगा, लोग रखना पड़ेगा। इसको चलाएगा कौन? इसको चलाने के लिए जामबाद के लोग रखना पड़ेगा यहाँ पर। परासकोल में जी, परासकोल का पद्मवती स्थान के अंदर में बहुत दिन से लोगों का डिमांड था कि बरसात में वहाँ पर सुविधा रहता, हम लोग देखते भी थे बरसात में वहाँ पर लोग खड़ा होने का वहाँ पर जगह नहीं रहता था। इसलिए बार बार हम लोग के पास निवेदन आया ग्राम पंचायत में कि वहाँ पर तो बस स्टैंड बनाया जाए। MLA साहब